भारत सरकार के कृषि वानिकी सब मिशन के तहत रामपुर के दत्तनगर में किसानों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खेती से उपज बढ़ाने के साथ साथ बंजर भूमि से कैसे पशु चारा प्राप्त करें, इस बारे में जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों और वन अधिकारियों ने किसानों को बताया कि वन विभाग के द्वारा भारत सरकार के कृषि वानिकी सब मिशन के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर अपने खेतों में लंबे समय तक संसाधनों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, किसान चारा वालन की जो जरूरतों को वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर कैसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ कृषि की आमदनी बढ़ाने के बारे में भी वैज्ञानिकों ने विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर आए हुए डॉक्टर पूनम प्रधान कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कैसे किसान कृषि वानिकी की वैज्ञानिकों को अपनाकर आत्मनिर्भर बने, इस बारे में किसानों को विस्तार से बताया गया। साथ ही किसान खेती के साथ साथ पशु चारे को कैसे तैयार कर सके जिससे कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके, इस प्रशिक्षण शिविर में ये सारी बातें बताई गई। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि वानिकी सिस्टमों से परिचित करवाया गया, अपनी घासनियों का, अपनी बंजर भूमि का, खरपतवारों को दूर करके कैसे अपनी भूमि को उपयोगी बना सकते हैं, और ये साथ ही साथ किसान अपनी ज़रूरत को पूरा करते हुए कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दे सकते हैं, यही संक्षिप्त में इस कृषि वानिकी प्रशिक्षण का उद्देश्य था।